देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन कोरोना के 15,054 नए मरीज सामने आए और वहीं 16 मरीजों की मौत हो गई। राहत की खबर तो यह है कि इलाज करवा रहे 13,485 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो वहीं देश में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस 92,724 है। इससे एक दिन पहले कोरोना के 11,578 नए केस मिले, जबकि 25 मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें कि राज्यों में कोरोना की स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र और केरल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिन महाराष्ट्र में कोरोना के 6,493 नए मामले मिले, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना पॉजिटिव रेट बढ़कर 16.48% हो गया और 24,608 मरीज कोरोना संक्रमित है। तो वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,378 नए मामले मिले और 6 मरीजों की मौत हो गई। केरल में कोरोना पॉजिटिव रेट बढ़कर 17.19% हो गया है। वहीं 26,000 से अधिक मरीज कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। आपको बता दें, वहीं कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा 1,31,812 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 142 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 1,566 सैंपल जांच के लिए भेजने के साथ यूपी टेस्टिंग में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं महाराष्ट्र में 39,405 और केरल में 19,648 मरीजों की जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।